जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई एम कायनात मैम विद यू ऑल अगेन। आज हम एक नई नोटिफिकेशन के साथ हैं। आप सभी को पता है कि नेवी की नई भर्ती आ चुकी है। आपको इंडियन एयरफोर्स की भर्ती के बारे में पता है, इंडियन नेवी की भर्ती के बारे में पता है और इंडियन आर्मी की भर्ती के बारे में पता है। आप सभी के दिमाग में अभी तक ये था कि हम अग्निवीर बनेंगे, तो अब आप सभी स्टेट्स में जाएंगे अग्निवीर के ही थ्रू, जहाँ पे हम आज नेवी AASSR और MR के एग्जाम पैटर्न्स के चेंजेस की बात करेंगे कि किस तरीके से प्रीवियसली इसके पेपर्स कंडक्ट कराए जाते थे और नए दौर में किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशंस में बैठेंगे और एग्जामिनेशंस में आप एक अच्छी अपीयरेंस कैसे दे पाएंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी का आपके साथ, जहाँ पे आपके साथ लग के हम मेहनत करेंगे और आपको एक 100% सिलेक्शंस का वादा करेंगे। अगर नेवी AASSR के पैटर्न्स की बात कर रहे हैं तो अर्लियर यू वर गिविंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप CBT बेस्ड टेस्ट दिया करते थे, बस एग्जाम पैटर्न को चेंज करके रिटन एग्जामिनेशन मोड पे कर दिया गया, जहां के आज 4 सब्जेक्ट्स आपके हमेशा से इंक्लूडेड होते थे और 100 मार्क्स का पेपर होता है 60 मिनट्स की टाइमिंग्स के साथ, जिसमें आपका जनरल साइंस का पेपर होता है, जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के सेक्शंस रहते हैं। सभी के साथ आपको ये जानने की जरूरत है कि पासिंग स्कोर क्या चाहिए, एग्रीगेट सेक्शनल कट ऑफ भी चाहिए आपको और ओवरऑल मेरिट लिस्ट में नाम भी चाहिए आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये आपका फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि रिटन बेस्ड है। इसके बाद आपका PFT टेस्ट होता है, जिसमें इंडियन नेवी में आपको 1600 मीटर की रनिंग के लिए 7 मिनट, 20 स्क्वायर, 10 पुशअप, 10 सिटअप, सारी ही एक्सरसाइजेस फिजिकली फिट होके मेडिकल टेस्ट के लिए अपीयर किया जाता है। ये 3 सिलेक्शन प्रोसेस आपका नेवी AASSR के साथ आपका कंप्लीट होता है। इसी दौर पे अगर हम 10 पास एंट्री नेवी MR की बात करेंगे, मतलब मैट्रिक रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, जहां पे 10वीं पास के बच्चों को हमारी इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का मौका मिलता है, तो इनके 2 पैटर्न्स का पेपर होता है, मतलब केवल 2 सेक्शंस आप देते हैं, साइंस एंड मैथमेटिक्स का, एंड सेकंड सेक्शंस आपका होता है जनरल नॉलेज का। आप सभी को पता है ये सारे पेपर ही ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट कराए जाते थे, जहां पे सरकार के नए चेंजेस के अकॉर्डिंगली आपका रिटन पेपर कंडक्ट होगा। ये पेपर 30 मिनट्स का रहेगा, केवल 30 मिनट का रहेगा। एक चीज का खास ख्याल रखना है, जब आप इंडियन नेवी में जाते हैं तो इंडियन नेवी में आपकी जो रनिंग टाइमिंग होती है वो 7 मिनट की होती है, मतलब 7 मिनट की रनिंग टाइमिंग होती है। मतलब नेवी AASSR हो, नेवी MR हो या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड हो, कहीं पे भी आपकी रनिंग टाइमिंग जो होती है वो केवल और केवल 7 मिनट्स की होती है। यही रनिंग टाइमिंग इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में अनदर टाइमिंग्स के साथ आती है। तो बच्चों, आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है हमारे नई बैचेस के साथ, जहां पे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपको सभी सुविधाएं देगा, ना ही तो आपका रिटन प्रिपरेशन, साथ ही साथ आपका फिजिकल ट्रेनिंग विद अवर ओन फिजिकल ग्राउंड। आपको हमारे खुद के फिजिकल ग्राउंड पे आपको रेगुलर बेसिस पे मंडे टू सैटरडे के फिजिकल ट्रेनिंग मॉर्निंग इवनिंग स्लॉट में दोनों ही टाइम। 2 साल से आपको पता है आप काफी लेजी हो चुके हैं, तो आप जल्दी जल्दी आइए हमारे साथ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करिए, जिसमें रिटन के क्लासेस ज्वाइन करिए, फिजिकल ट्रेनिंग एंड एवरी मंथ मेडिकल फैसिलिटी को ज्वाइन करिए। आपके किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में हम कमी नहीं रखेंगे, आप भी आइए और जल्दी जल्दी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए हमारे नए बैचेस को ज्वाइन करने के लिए 9415402422, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाके अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन अवर वेबसाइट www.cadetspointdefenseacademy.com। जय हिंद, जय भारत।